हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो हम शुरू करते हैं आज फिर क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। ऑलरेडी हमने इसमें पार्ट 1 और 2 बना दिए हैं, तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। ओके, आई होप मैं आपको इस पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करा दूंगा। और अब पार्ट 1 और 2 हमने काफ़ी चीज़ डिस्कशन की कि कैसे वुमेन की इंडिया में कंडीशन बहुत ख़राब होती थी, तो उनके लिए उन्होंने इंडिया के बहुत सारे रिफॉर्मर सामने आए और वुमेन्स की कंडीशन को सुधारने के लिए सती प्रथा बैन किया और वुमेन जो विडो रीमैरिज थी वो कराना शुरू किया। उसके बाद कास्टिज्म के बारे में हमने पार्ट 1 और 2 में हमने वुमेन्स के बारे में बात की कि कैसे अलग अलग एरिया में समाज सुधारक आए और इंडिया के अंदर वुमेन्स को अधिकार दिलवाए, ठीक है। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कास्टिज्म के बारे में। ये देखिए, ये लास्ट हमने टॉपिक पार्ट नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में डिस्कशन किया था कि कैसे 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट बनाया गया और बच्चों का बाल विवाह रोक दिया गया एक कानून के तहत। लॉर्ड इरविन के टाइम में ये बना और मैरिज की एज डिसाइड कर दी गई कि 18 एज बॉयज़ के लिए और 16 एज गर्ल्स के लिए डिसाइड की गई थी। ये एज क्राइटेरिया तैयार कर दिया गया था। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कास्टिज्म के बारे में भी कुछ बातें थी। इंडिया में कास्टिज्म बहुत बड़े लेवल पे था। पार्ट नंबर 3 में आज हम ये डिस्कशन करेंगे वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो 3 में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे कास्टिज्म बहुत बड़े लेवल पे था और उसको कैसे ख़त्म किया गया। तो यहाँ पर दिखाया गया कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हमारे कंट्री के, हमारे समाज के, जिन्होंने कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे चर्चाएं की, डिस्कशन किया, क्रिटिसाइज़ किया। कास्ट इनइक्वलिटी जो हमारे समाज में, यानी कि जातीय असमानता जो हमारी फैली हुई थी, उसको काफ़ी ख़त्म करने के लिए तैयारियां की। राजा राम मोहन राय जैसे रिफॉर्मर बहुत सारे पुराने बुद्धिस्ट टेस्ट को और भारत के जो वेद पुराणों में लिखे गए जो किताबें हैं उनसे निकाल निकाल कर वो चीज़ें लेकर आ रहे थे, और जो कास्टिज्म है उसके ऊपर वो क्रिटिक कर रहे थे कि भाई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, और अगर ब्राह्मण या दूसरे जो बड़े लोग हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र को मानकर शूद्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं तो ये गलत है। प्रार्थना समाज के लोग सामने आए, उन्होंने जो भक्ति का ट्रेडिशन अपनाया था, स्पिरिचुअल इक्वलिटी की वो बात कर रहे थे सभी कास्ट के लिए, तो ये काफ़ी बेहतरीन रहा। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज काफ़ी आगे सामने आए। बॉम्बे में परमहंस मंडली बनी और 1840 में इन्होंने फिर जो है कास्ट अबोलिशन को ख़त्म करने के लिए काम करना शुरू किया। बॉम्बे में बनी थी ये परमहंस मंडली। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु रहे, तो वो बहुत फेमस, उनके जो रामकृष्ण जी के जो भक्त जो उनके शिष्य थे, उन्होंने ये पूरा ग्रुप बनाया और बॉम्बे में कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए तैयारियाँ शुरू की। मैंने कहा था समाज से बुराइयां ख़त्म करने के लिए समय समय पर लोग आते हैं और वो इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला था। कास्टिज्म को अबोलिशन करने के लिए परमहंस मंडली तैयार हो चुकी थी। बहुत सारे रिफॉर्मर रिफॉर्म एसोसिएशन बनाते हैं या उनके मेंबर, रिफॉर्म एसोसिएशन के मेंबर जो अपर क्लास के जो लोग थे उनके अगेंस्ट क्रिटिक करने लगते हैं, और कुछ उनमें अपर कास्ट के लोग भी यहाँ शामिल थे। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से कि लोअर कास्ट के लोगों ने सारा कुछ किया, अपर कास्ट के लोगों ने भी आगे बढ़कर इस चीज़ को ठीक कराने की कोशिश की, क्योंकि उनको भी खुद महसूस होता था कि भाई लोअर कास्ट के साथ बहुत गलत होता है। सीक्रेट मीटिंग्स की गई, रिफॉर्मर्स सामने आए, उन्होंने कास्ट टाबूज़ को, जो कि फूड और एक दूसरे को टच करने को लेकर जो बनाए गए थे, कास्ट टाबूज़ का मतलब यहाँ पर वो पुरानी धारणाएँ जो कि बनाई गई थी समाज में, भोजन खाने को लेकर या टच को लेकर, भाई हम अनटचेबिलिटी, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग होंगे वो ऊंची कास्ट के लोगों को टच भी नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को लेकर वो जो फालतू के जो कास्ट टाबूज थे उनको ख़त्म किया गया। कास्ट प्रिजूस जो यहाँ होती थी, कास्ट के लिए जो पूर्व धारणाएँ होती थी जो समाज में फैली हुई थी, उसको हटाने की पूरी कोशिश की। ओके, बहुत सारे देर वर आल्सो अदर हूँ क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोशल ऑर्डर, कि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में समाज सुधार कैसे भी हुए, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि भाई यहाँ पर जो गलत होता है, अन्याय होता है, इनजस्टिस जो यहाँ पर इनजस्टिस होता है कास्ट सोशल ऑर्डर को लेकर, वो गलत है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया।
19 सेंचुरी में बहुत बड़े लेवल पे क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आने लगे। 1810 के बाद 1813 के बाद लगातार यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी आ रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज लगातार आ रहे थे, और उन्होंने छोटी जाति के लोगों के लिए, लोअर कास्ट के लिए बहुत सारे, या ट्राइबल पीपल्स के लिए भी स्कूल खोलने शुरू किए और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ट्राइबल ग्रुप्स को, जो कि पहले सोसाइटी में ऐसा होता था कि छोटी जाति के बच्चे या छोटी जाति के लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो उनके लिए भी यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनको पढ़ाना शुरू किया, उनके स्कूल खोलने शुरू किए। जैसे आपको याद होगा बिरसा मुंडा हमने पढ़ा था, तो बिरसा मुंडा भी एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए। तो इस तरह क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पर आने लगे और ट्राइबल पीपल्स को पढ़ाने लगे। अब जब ट्राइबल पीपल को पढ़ाने लगे तो ये चीज़ अपर कास्ट के लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर भी अटैक करने शुरू किए कि भाई आप यहाँ पर ये हमारा जो कास्टिज्म बनाया हुआ, हमने कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है, उसके आप ऊपर उसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनके ऊपर भी बड़े आर्ग्यूमेंट किए। ओके, क्रिश्चियन मिशनरी इन लोअर कास्ट के बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा कर उनको एबल बनाना चाहते थे, ताकि वो भी बदलते हुए संसार में अपने आप को बदल सकें। लेकिन आसान नहीं था सब कुछ। उसी टाइम में पुअर पीपल भी जो है गांव छोड़ने लगे। गांव इसलिए छोड़ने लगे, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो शहरों में जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि शहरों में अब नई जॉब के ऑप्शन खुल रहे थे, क्योंकि नई नई फैक्ट्रियाँ लग रही थी। बॉम्बे जैसे शहर में 1854 में कॉटन फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी अलग अलग एरिया में, और भी बहुत सारी जगह पर अलग अलग फैक्ट्रियाँ, आयरन स्टील फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी। आपको याद होगा आयरन स्टील फैक्ट्री जो है 1907 में टिस्को या टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसको कहते हैं, वो स्थापित हुई थी, और भी माइनिंग का वर्क भी शुरू हो चुका था। तो ये लोग जो लोअर क्लास के लोग थे गाँव को छोड़ छोड़ कर, जब उन्हें गाँव में तंग किया गया तो वो गांव छोड़ छोड़ कर फैक्ट्री में काम करने के लिए शहरों में चले गए या माइनिंग वगैरह के वर्क में लगने लगे, म्यूनसिपालिटीज़ में जॉब करने लगे। जो म्यूनसिपालिटी होती है शहरों के अंदर, उनके अंदर वो झाड़ू लगाने का काम हो गया, सड़कों को साफ करने का काम हो गया, ये सब वो करने लगे। तो ये लोग उस समय इस तरह से कन्वर्ट होते चले गए। इस लेसन में कास्ट सोशल रिफॉर्म में आपको बिल्कुल क्लियर बताया जाएगी कितनी बुरी हालात यहाँ पर लोअर कास्ट की होती थी, और वो कैसे धीरे धीरे किन किन लोगों ने, किन किन ग्रुप्स ने इन चीज़ों को ठीक किया है। बहुत सारे लोगों का इसमें रोल प्ले रहा है, तो देखिए आगे कौन कौन है जिसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये देखिए, जब ये लोग शहर में जाने लगे तो ये अलग अलग एरिया में काम करने लगे थे। सिटीज़ में जब सिटीज़ बढ़ रही थी तो उसी टाइम में ये शहरों में डिमांड होने लगी लेबर की, तो लेबर के रूप में वहाँ पर छोटी जाति के लोग काम करने के लिए चले गए। ये क्या काम करते थे भाई? ड्रेन्स यानी कि नालियाँ, जो शहर में नालियाँ वगैरह तैयार की जाती थी, उनके लिए काम पे चले जाते थे। छोटी जाति के लोग रोड बनाने में लगाए जाते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में इनको काम मिल जाता था, शहरों को साफ करने में भी इनको काम मिल जाता था कई जगह पर। तो ये छोटी जाति के लोग यानी कि ट्राइबल पीपल और एससी ग्रुप के लोग यहाँ पर जो है कुलीज के रूप में भी काम करते नजर आए, डिगर्स के रूप में यानी खड्डा खोदने वाले, कैरियर सामान उठाने वाले, ब्रिक लेयर मिट्टी की ईंटें बनाने वाले, सीवेज क्लीनर यानी कि सीवरेज की सफाई करने वाले, स्वीपर्स झाड़ू लगाने वाले, पालकी बैरियर्स यानी कि पालकी उठाने वाले, इस तरह के बहुत सारे काम में, रिक्शा पुलर के काम में, इस तरह के बहुत सारे काम में वो नज़र आए। गाँव में तो कास्ट टैबूज थे, लेकिन शहरों में ये चीज़ें बहुत कम थी, तो इसलिए उनको काम मिला और वो उधर निकल गए। शहरों में लेबर अलग अलग गाँव से आ रही थी, पुअर पीपल जो नियर बाई विलेज के थे, छोटे टाउन से थे, विलेजेस से थे, वो आगे आए और उनको शहरों में काम मिलने लगा। और बहुत सारे उनमें छोटे जाति के लोग बिगिन टू मूविंग सिटीज़, वो शहरों की तरफ आ गए और वहाँ पर उन्हें नई प्रकार की जॉब मिली। न केवल भारत में उन्हें जॉब मिली बल्कि वो बाहर भी ले जाए गए, जैसे कि बहुत सारे इनमें से प्लांटेशन वर्कर के रूप में आसाम में ले जाए गए, मॉरिशस ले जाए गए, त्रिनिदाद ले जाए गए, इंडोनेशिया ले जाए गए, मतलब कि अलग अलग एरिया में, विदेशों में भी इनको काम करने के लिए ले जाए गए एग्रीमेंट लेबर के रूप में। और शायद यहीं से स्लेव ट्रेड भी शुरू हुआ। स्लेव ट्रेड यानी दास व्यापार बहुत ही अलग व्यापार होता था उस समय, खरीदे जाते थे स्लेव और फिर उनको अलग अलग एरिया में भेज दिया जाता था। नई लोकेशन पर काम करना बहुत मुश्किल काम होता था, जैसे त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस की बात कर रहा हूँ मैं, इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। जब ये स्लेव ट्रेड के रूप में वहाँ पहुँचते थे तो बड़ी हार्ड लाइफ होती थी, बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे, मर जाते थे बीच में ही। बट पुअर पीपल क्या करें, वो लो कास्ट के होते थे,
छोटी जाति के लोग होते थे। तो अब ये इस तरह का काम उनके लिए तो एक नई अपॉर्चुनिटी थी, एक बड़ा मौका था। गांव में इतने लेबर, इतना पैसा उनको मिलता नहीं था, तो इसलिए वो निकलते चले गए। और ऊपर से गांव के अंदर ऑप्रेसिव होल्ड जो था अपर कास्ट का, वो भी उन्हें बड़ा तंग करता, दुखी करता था। तो वो इन चीज़ों से निकल जाना चाहते थे और वो नए तरीके का अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे। गांव में उनका डेली ह्यूमिलेशन होता था, अपर कास्ट के लोग, लैंड ओनर वगैरह उनको बहुत बड़े लेवल पे टॉर्चर करते थे, तो उन चीज़ों से निकल जाना चाहते थे। देखिए, अब यहाँ पर एक फिगर नंबर ये 9 में दिखाया गया, एक कुली शिप है जो अलग अलग जगह से स्लेव्स खरीद कर इधर उधर सेल जो है खरीदे गए हैं स्लेव, और उनको भर कर जो है वो अलग अलग एरिया में ले जा रहा है और वहाँ पर इनसे वर्कर से काम कराया जाएगा। ये कुली शिप है जिसका नाम यहाँ पर दिखाया गया, एक कुली शिप 19th सेंचुरी में, दिस कुली शिप नेम्ड जॉन एलन, इस शिप का नाम था जॉन एलन, और इसमें बहुत सारे इंडियन लेबर मॉरिशस ले जाई जा रही है, मॉरिशस कंट्री में, और जहाँ पर इनको अलग अलग प्रकार के वर्क में, यानी कि हार्ड लेबरिंग वर्क में डाल दिया जाएगा। और ये ज़्यादातर लोअर कास्ट के लोग ही होते थे, मोस्ट ऑफ दीज वर लोअर कास्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, हु कुड प्रोड्यूस शूज़, कि जूते बनाने का काम कौन करने वाले थे। तो देखिए यहाँ पर लेदर वर्कर के बारे में बात की गई, लेदर वर्कर यानी कि चमड़े का काम करने वाले, जो पारंपरिक रूप से हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन द कोटम सिंस दे वर्क नीड डेड एनिमल्स एंड विच आर सीन एज डर्टी एंड पोल्यूटिंग। मतलब कि लेदर वर्कर जो जानवरों को मारकर उनकी खाल उतार कर उनसे जूते बनाते थे, ये पोल्यूटिंग और डर्टी वर्क माना जाता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि जब 1914 से 18 के बीच में, यानी कि 28 जुलाई को 1914 में जब वर्ल्ड वार शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 को जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, उस समय पूरे वर्ल्ड में, सारे यूरोप में और अलग अलग जगह पर काफ़ी डिमांड होने लगी लेदर शूज़ की, और लेदर के कपड़ों की, ड्रेस वगैरह की काफ़ी डिमांड हुई। तो उस समय जो है काफ़ी जो शू मेकर्स से उनको डिमांड की गई भी वो जूते बनाए। लेकिन यहाँ देखोगे आप लेदर वर्कर जो मदिगाज पीपल हैं, यहाँ दिखा मदिगाज दिखाई गए हैं ये आपको, ये 19th सेंचुरी के शू मेकर थे आंध्र प्रदेश से। इस तरह के भारत में बहुत सारे थे जो कि शूज़ बनाते थे, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और वो जूते बनाने के कामों में रखे गए। मदिगाज वर इम्पोर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्रा, कि आज की आंध्रा की सबसे फेमस कास्ट है जो जूते बनाने का काम करते हैं। देवर एक्सपर्टेड क्लीनिंग हाइड्स, वो जानवर की खाल उतार कर उसको यूज़ करना जानते हैं, और सैंडल वगैरह, जूते वगैरह आराम से बना देते हैं। तो काफ़ी मौका मिला इनको लोअर कास्ट के लोगों के लिए, अब इस तरह का स्लेव ट्रेड या इस तरह का जो प्लांटेशन वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में था। इनमें से बहुत सारे लोग तो जो है शूज़ बनाने लगे आर्मीज़ की डिमांड पूरी करने के लिए वर्ल्ड वार वन में। कास्ट प्रिज्यूज यानी कि कास्ट पूर्व धारणाओं को लेकर भी लेदर वर्क ज़्यादातर छोटी जाति के लोग ही कर रहे थे, बड़ी जाति के लोगों ने शू मेकर का काम नहीं किया, लेकिन छोटी जाति के लोगों ने जो है शू मेकिंग करके जो है काफ़ी अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव किया, काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया उस टाइम में। तो इस तरह के कास्ट प्रिज्यूज हमारे इंडिया में काफ़ी होते थे। देर वर अदर जॉब टू, कि उस समय और भी जॉब बहुत सारी होती थी, जैसे आर्मी के लिए ये लोग, जो आर्मी के लिए भी ऑफर किए जाते थे कि इनको आर्मी में लगाया जाता था। जैसे एक यहाँ पर महार पीपल्स, महार रेजिमेंट में रखे गए थे जो कि साउथ इंडिया में अनटचेबल माने गए थे, और उन पीपल्स को रिक्रूट किया अंग्रेज़ों ने और एक महार रेजिमेंट का निर्माण किया। तो ये लोग न केवल स्लेव के रूप में जा रहे थे बल्कि शोल्डर्स के रूप में भी ये लोग जो है रिक्रूटमेंट किए जा रहे थे, अलग अलग एरिया में ट्रेड करने के लिए भेजे गए थे। बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन में फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, बहुत ही फेमस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये, तो इन्होंने दलित मूवमेंट की थी, और जो है कहते हैं कि बी आर अम्बेडकर के फादर भी एक महार रेजिमेंट में आर्मी मैन रहे हैं, आर्मी स्कूल में वो रहे हैं। ओके, और उसके बाद देखिए, तो इस तरह से कास्टिज्म यहाँ होता था, जब लोअर कास्ट के लोगों को अलग अलग जगह पर वर्क मिला तो उन लोगों ने इसके लिए मना नहीं किया और काम करते रहे। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है दुबलाज गुजरात के जो हैं, ये मैंगो कैरिंग करने वाले लोग हैं जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए ये वुमेन्स हैं, ये दुबलाज कम्युनिटी की वुमेन्स हैं, और ये मैंगो कैरिंग कर रही हैं, और ये जो है ठीक है अपर कास्ट के लोग लैंड ओनर्स को ये जो है बेचने जा रहे हैं।
और कल्टीवेटिंग करते हैं ये फील्ड्स में, और एक डिफरेंट वैरायटी ऑड जॉब लैंडलॉर्ड्स के हाउस में वो काम करने के लिए जाते हैं। तो ये दुबलाज कम्युनिटी गुजरात की, ये काफ़ी फेमस थी, ये भी लोअर कास्ट थी। उसके बाद देखिए यहाँ दिखाया गया कि नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। 1929 में जब सती प्रथा बैन हुई, उसी समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है, ये देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पर इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड इन द गवर्नमेंट स्कूल, के अनटचेबल पीपल्स को 1829 में गवर्नमेंट स्कूल में एंट्री अलाउड नहीं थी। वैन सम ऑफ देम पास्ड हार्ड फॉर राइट, जब कुछ लोगों ने अपने प्रेस हार्ड मतलब कि कोशिश की कि वे अपने अधिकारों के लिए, तो उन्हें अलाउड किया गया कि वे बरांडा में बाहर बैठें आउटसाइड द क्लासरूम, और उन्हें बाहर बैठकर पढ़ाने की अलाउड किया गया था। वो बाहर ही बैठते क्लासरूम के बाहर, और फिर वहाँ पर टीचर जो पढ़ाते थे उसको सुनते थे। विदाउट पोल्यूटिंग द रूम ऑफ अपर कास्ट बॉयज़ वर टॉट, कि जो अपर कास्ट के जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं क्लासरूम में, उनसे बाहर उनको बिठा दिया जाता ताकि वो अपर कास्ट के लोगों को पॉल्यूट ना कर पाए। तो इस तरह की कंडीशन इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर रही है। अब जब हम बात करते हैं कि इंडिया में ये जो अनटचेबिलिटी थी या जो गलत काम छोटी जाति के लोगों के साथ हो रहा था, उसको कैसे इन लोगों ने कवर किया। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि बराबरी की डिमांड और न्याय की डिमांड कैसे और कब शुरू हुई, ये बात उस समय की। ग्रेजुअली द हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे जो लोग पढ़ लिख गए थे नॉन ब्राह्मण में, नॉन ब्राह्मण कास्ट में जो लोग पढ़ लिख गए थे थोड़े बहुत, उन्होंने इस तरह की मूवमेंट करना शुरू किया कि हम दलित लोगों के लिए न्याय की डिमांड करेंगे। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, मतलब कि ये कहेंगे भाई जाति पाति जो भेदभाव है उसको हम ख़त्म करेंगे, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो नॉन ब्राह्मण थे मतलब जो लोग पढ़ लिख गए छोटी जाति में थोड़े बहुत, उन्होंने इस तरह की मूवमेंट करना शुरू किया कि उनकी छोटी जाति के लोगों को भी समाज में इक्वालिटी मिले, जस्टिस न्याय मिले। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो करने के लिए तैयार हुए। वो पढ़े लिखे लोग जो थोड़े बहुत जो नॉन ब्राह्मण कास्ट में हुआ करते थे, छोटी जाति में हुआ करते थे, उन्होंने ये शुरुआत की। अब देखिए इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किन किन लोगों ने छोटी जाति के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए काम शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सतनामी मूवमेंट दिखाई गई है, देखिए पॉइंट वन हमारा यहाँ पर शुरू होता है। सबसे पहले सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में शुरू किया गया, फाउंडेड बाई घासीदास। घासीदास ने ये शुरू किया, ठीक है। ये घासीदास जो थे वर्क अमोंग द लेदर वर्कर, वो लेदर वर्कर के साथ काम किया करते थे, उनके बीच में ही काम करने वाले थे। तो एक तरह देखें कि इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, ताकि उन्हें समाज में थोड़ा सही तरीके से देखा जाए। तो ये घासीदास थे जिन्होंने सतनामी मूवमेंट को शुरू किया। तो पहली मूवमेंट ये छोटी जाति को अधिकार दिलाने के लिए सेंट्रल इंडिया की। अब जरा दूसरी मूवमेंट देखते हैं, एक मूवमेंट और हुई है, देखिए ईस्टर्न बंगाल नंबर टू, यहाँ पर हरिदास ठाकुर माटुआ, इन्होंने जो चंडेला कल्टीवेटर्स थे उनके लिए काम करना शुरू किया। ये कहाँ शुरू हुई है, ईस्टर्न बंगाल में, किसने शुरू किया, हरिदास ठाकुर मटुआ। ओके, तो चंडेला कल्टीवेटर जो थे बंगाल के, उनके लिए उन्होंने काम किया जो छोटी जाति के लोग थे। हरिदास ठाकुर ने क्वेश्चन किया ब्राह्मणिकल टेस्ट के ऊपर, यानी कि जो ब्राह्मण बुक होती थी या वेद पुराण होते थे उनके ऊपर, उन्होंने कहा कि किसी भी किताब में कास्ट सिस्टम को नहीं दिखाया गया है, ब्राह्मणों के बना बनाया खेल है ये, और ब्राह्मण हमें गुमराह कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल कास्ट को, कास्टिज्म सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, दो लोगों के अलावा घासीदास और हरिदास ठाकुर मटुआ के अलावा एक और सबसे फेमस केरला के, जिनका नाम नारायण गुरु था, श्री नारायण गुरु। ये देखिए ये केरल के बड़े फेमस रहे, ये तीसरी मूवमेंट है यहाँ पे हमारी, केरल, एक गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट। याद रखना एनटीएससी में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं हमेशा कि इजावा कास्ट के वो कौन से गुरु थे जो केरला में बड़े फेमस हुए। ये श्री नारायण गुरु हैं जो केरला के थे। इन्होंने कहा कि जो अपने लोगों को इकट्ठा किया, ये आइडल रहे अपने लोगों के लिए, इजावा कास्ट के लिए आइडल फॉर यूनिटी ऑफ पीपल, लोगों में इन्होंने यूनिटी लेके आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई गई है श्री नारायण गुरु की, ये देखिए इजावा कास्ट के नारायण गुरु बड़े फेमस रहे। तो इन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया कि भाई आप इकट्ठे हो जाएं और तभी हम ब्राह्मणों के अगेंस्ट
लड़ पाएंगे और हमें अधिकार मिल पाएंगे। तो बात सीधी है कि उन्होंने आर्गुमेंट किया अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। उन्होंने कास्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट करने शुरू की, भाई यहाँ पर जो कास्टिज्म चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ऑल ह्यूमन काइंड, सभी प्रकार के मानव बराबर हैं, सेम है। उन्होंने अपनी एक फेमस स्टेटमेंट दी जो लोगों को वहाँ बहुत पसंद आई, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैव्यम दैवम मनुष्यम, कि उनका कहना ये था, ये देखिए ये पूरी उनकी स्लोगन है, ये पूरी उनकी बात है जो उन्होंने कही है, कि ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैव्यम मनुष्यम, इनकी एक ही जाति है पूरे इंडिया की, एक ही धर्म है पूरे भारत का और एक ही भगवान है सभी मानव लोगों का। तो इस तरह की बातें लोगों को समझाई, मोटिवेट किया, और वो चाहते थे कि कास्टिज्म ना हो, बराबरी हो जाए। जावा कास्ट के श्री नारायण गुरु, वहाँ के लोगों ने इन्हें बहुत रेस्पेक्ट दी, बहुत फेमस हुए ये। तो इस तरह की सभी बातें जो है अलग अलग लीडर अलग अलग एरिया में कर रहे थे, और नॉन ब्राह्मण जो कास्ट के लोग थे ये ब्राह्मणों के अगेंस्ट बातें बोल रहे थे कि वो इस तरह की कास्टिज्म ना करें, यहाँ पर सभी को बराबर अधिकार दें। तो इनके बीच में, कास्ट के बीच में रहकर उन्होंने काफ़ी काम किया, उन्होंने लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं, हैबिट्स हैं, उनको चेंज करने का प्रयास किया, उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया ताकि वो डोमिनेंट कास्ट के अगेंस्ट थोड़ा खड़े हों और अपने हक की लड़ाई लड़ें, और कोशिश की कि सब लोग सेल्फ एस्टीम यानी कि अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचा पाएँ, अपना मतलब जो है अपना मान सम्मान वो ले पाएँ, इस तरह की उन्होंने कोशिश की। तो इस तरह हमने इस पेज में देखा कि दो तीन बड़े लेवल पे रिफॉर्मर आए, घासीदास नंबर एक, और जो है हरिदास ठाकुर नंबर टू, और नारायण गुरु नंबर थ्री। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो सोसाइटी में कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए तैयारियां करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद अगला पेज, और इसमें देखिए अब गुलामगिरी के बारे में लिखा गया, ठीक है, छोटी जाति के बारे में, जो लोअर कास्ट थी उसको जागरूक करने के लिए भी और उनको अधिकार दिलाने के लिए भी ज्योतिराव फूले बहुत ही फेमस रहे, जिनका जन्म 1827 में 1827 में हुआ, और इन्होंने वो बुक लिखी, ये बुक 1873 में लिखी गई थी, 1873 में बहुत ही फेमस बुक थी ये उनकी। तो इन्होंने बताया कि ज्योतिराव फूले भी छोटी जाति को ऊपर उठाना चाहते थे, उनके मेन लीडर रहे ये, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में वो पढ़े लिखे थे, और इसी वजह से उनके आइडियाज़ भी वेस्टर्न लोगों से थोड़े बहुत मिलते जुलते थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने आइडियाज़ को और डेवलप किया, और समाज में हो रही जाति पाति या अन्याय को ख़त्म करने के लिए मूवमेंट शुरू की। उन्होंने ब्राह्मणों के इस बात पे बड़ा अटैक किया, इस बात पे बड़ा, जो ब्राह्मण क्लेम करते हैं कि वो बहुत समाज में सुपीरियर हैं, दूसरों से बढ़कर हैं, वो दूसरों से ज़्यादा पवित्र हैं, इस बात पर उन्होंने क्रिटिक किया कि आर्य लोग खुद को सुपीरियर मानते हैं, इस बात के ऊपर क्रिटिक किया। फूले, ज्योतिराव फूले ने आर्ग्यूमेंट किया ब्राह्मण जाति के ऊपर जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, आर्यन मानते हैं, पवित्र आर्यन मानते हैं अपने आप को, तो उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया कि आर्य लोग तो बाहर से आए, आर्यंस वर फॉरनर, कि वो बाहर के हैं, वो केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, वो जो भारतीय महाद्वीप से बाहर से आए हैं, हो सकता है वो यूरोप से आए हों या तिब्बत से आए हों, तो उनको अधिकार नहीं है यहाँ पर, उनको किसी तरह का अधिकार नहीं भारत के लोगों पर हक जमाएं या अपने आप को सुपीरियर कहें। तो ज्योतिराव फूले ने उनके बारे में कहा, उन्होंने ये भी बताया कि लोग बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को हराया और जगह को कब्जा किया, यहाँ के जो असली बच्चे थे इंडिया की कंट्री के, उनको यहाँ से भगा दिया गया, द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, कि इस भारत के देश के जो असली हकदार थे उनको भगा दिया गया वहाँ से, और फिर वो नॉर्थ इंडिया में रह गए, हु आई लिव्ड हेयर, वो यहाँ पर रहने लगे और अपने आप को आर्यन कहने लगे। तो वो आर्य लोगों के इस डोमिनेंस के अगेंस्ट थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने यहाँ पर जो प्रभुत्व जमा लिया है, आर्य इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, की जो उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया ये गलत है, उन्हें तो देश छोड़ के चला जाना चाहिए। दे बिगिन लुकिंग एट द डिफीट पॉपुलेशन एज इन्फीरियर, कि जो हारी हुई जनसंख्या है यहाँ पर, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के ओरिजिनल्स थे, आप उनको गलत मान रहे हो, उनको इन्फीरियर मान रहे हो, उनको गलत छोटी जाति का कह रहे हैं, लो कास्ट पीपल कह रहे हैं, तो सरासर गलत है, क्योंकि वही भारत के ओरिजिनल्स हैं, और आप जो बाहर से आए वो उनको छोटी जाति का नहीं कह सकते। तो फूले, जो ज्योतिराव फूले थे, उन्होंने अपर कास्ट के ऊपर काफ़ी क्रिटिक किया, उन्होंने ये भी कहा कि भाई अपर जाति के लोग नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर,
कि उनको तो इस ज़मीन पर और अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के हैं ही नहीं वास्तव में। तो इन रियलिटी द लैंड बिलोंगिंग टू इंडिजिनियस पीपल, ये ज़मीन तो यहाँ के लोगों की है जो यहाँ से भगा दिए गए थे, इंडिया के लोगों की है। सो कॉल्ड लो कास्ट, इनके इसका मतलब लोअर कास्ट के लोगों की ये ज़मीन है। तो इस तरह की बातें कही। ज्योतिराव फुले ने एक और क्लेम किया कि बिफोर आर्यन रूलर, आर्यन रूलर के आने से पहले इंडिजीनियस यानी कि इंडिया के लोग यहाँ पर आराम से रह रहे थे। उस समय काफ़ी अच्छा समय था हमारा, यानी गोल्डन एज ऐसा बताया उन्होंने। और वारियर पीजेंट्स यहाँ के जो बहुत ही बहादुर जो खेती 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 करने वाले लोग थे, वो यहाँ पर ज़मीनों को खोदते, तैयार करते और फिर उसके बाद यहाँ पर खेती करते। एंड द रूल ऑफ मराठा कंट्री साइड, और वो जो मराठा एरिया में भी काफ़ी फेमस रहे कंट्री साइड में, जस्ट एंड फेयर वे, वो बड़े आराम से और बढ़िया ढंग से व्यापार और जो खेती वगैरह कर लेते थे आराम से। उन्होंने ये भी कहा, ही प्रपोज दैट शूद्राज, ज्योतिराव फूले कह रहे थे कि शूद्राज जिनको लेबरिंग कास्ट के रूप में आजकल स्वीकार किया गया है, लेबरिंग कास्ट इनको बोला जा रहा है, या अति शूद्र जो अनटचेबल कहा जा रहा है, कि इनके लिए बड़ा शुड यूनाइट द टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनको बहुत बड़े लेवल पे जाति पाति भेदभाव झेलना पड़ता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, जो कि गलत है। तो इसीलिए ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज बनाया, सत्यशोधक समाज तैयार किया। और ये सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले का ही बनाया हुआ था, जिसमें कास्ट इक्वालिटी पर पूरा जोर दिया गया। इस पॉलिसी को उन्होंने बड़े लेवल पे अपनाया। और देखिए यहाँ पर अब एक फूले ने एक बात कही है यहाँ पर एक स्लोगन का, ज्योतिराव फूले आल्सो क्रिटिकल ऑन एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। उन्होंने एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म पे कुछ बातें कही, दैट वाज प्रीच अपर कास्ट लीडर, जो अपर कास्ट लीडर के ऊपर कही गई है। उन्होंने लिखा, मी हेयर यू ओवर देयर, कि हम यहाँ जो नीची जाति के लोग जमीन पर पड़े हुए, और आप यू ओवर देयर, कि आप प्रभाव जमाते हो हमारे ऊपर, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो और छोटे लोगों को तंग करते हो। उन्होंने कहा कि द ब्राह्मणाज हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड ऑन देयर रिलीजन, कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की तलवार को अपने अंदर छुपाया हुआ है, विच हैज़ कट द थ्रोट ऑफ पीपल्स प्रोस्पेरिटी, जो लोगों के मान सम्मान और लोगों की गरिमा को नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं उनका गला। नाउ गो अबाउट द पॉइजिंग इन ग्रेट पैट्रियट ऑफ द कंट्री, और अब ये जो देश के राजभक्त हैं, देशभक्त हैं, उनके बीच में ये पॉइजनिंग भर रही हैं, मतलब कि जो जो महान जो हमारे जो देशभक्त हुए हैं या जो देश के लिए सच में चाहने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये पॉइजन भर रही हैं। दे गिव दिस एडवाइस टू आवर शूद्राज, वो हमारे शूद्रों को एडवाइस देते हैं, मुस्लिम एंड पारसी यूथ, दैट अनलेस वी पुट अवे ऑल क्वेरल अमोंगेस्ट एंड आवर सेल्फ अबाउट द डिविजन्स बिटवीन द हाई एंड लोअर एंड कंट्री एंड द कम टुगेदर, कि अब वो नए प्रकार की उनके बीच में उनको लड़ाकर खुद रूल करना चाहते हैं, वो लड़ाते हैं और एक दूसरे को, और फिर उनको राजपाट करते हैं। आवर कंट्री विल नेवर मेक एनी प्रोग्रेस, इस तरह तो हमारा भारत कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा, कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। इट विल बी यूनाइट यूनिटी टू सर्व देयर पर्पज़, हमें उसके लिए हमें एक होना होगा। देन इट विल बी मी हेयर एंड यू ओवर देयर, तब उसके बाद ठीक है, देन इट विल बी मी हेयर, तो इससे ये होगा कि मैं यहाँ और तुम यू ओवर देयर अगेन, कि तुम फिर दोबारा से वहाँ आ जाओगे। ठीक है, इस तरह ज्योतिराव फूले ने अपनी कल्टीवेटर विप कोड में ये सब बातें लिखी। ठीक है, तो ये काफ़ी महान था। ये देखिए मैंने शुरू में बताया, ज्योतिराव फूले जिसकी बुक का नाम गुलामगिरी था, जो 1873 में लिखी गई, स्लेवरी सिस्टम पे इन्होंने लिखा। और उसके कुछ 10 साल के बाद में देखो कि अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट इससे पहले हुई है, इससे जस्ट 10 साल पहले, यानी कि 1863 में अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल वॉर, सॉरी अमेरिकन सिविल वॉर में पार्ट किया। वहाँ पर भी ब्लैक वाइट पीपल्स होते थे और वो एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते थे, यानी कि कलर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ चलता था। और ये फिर बाद में अमेरिका की आज़ादी के साथ ये स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हुआ। 4 जुलाई 1776 में, 4 जुलाई 1776 में अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ आज़ाद हो जाती हैं और फिर वो रूल करने लग जाती हैं।
तो ज्योतिराव फुले ने अपनी गुलामगिरी बुक को डेडिकेट किया टू ऑल। ये देखिए यहाँ पर ज्योतिराव फुले आपको दिखाए गए हैं, आपने इनकी फोटो देखी नहीं थी यहाँ पे अभी तक। देखिए यहाँ पर ये देखिए ज्योतिराव फुले यहाँ दिखाए गए हैं, उन्होंने अपनी बुक लिखी गुलामगिरी डेडिकेटेड टू अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट, तो उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। देखिए ज्योतिराव फुले की फोटो यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। तो ये सब हुआ, उसके बाद देखिए आगे उन्होंने अमेरिकन्स के लिए ये डेडिकेट की, वो फोर्ट टू फ्री स्लेव, जो जो गुलाम स्लेव्स थे उनको आज़ाद करने के लिए वो लड़े अमेरिकन, उनके लिए सब डेडिकेट किया। बिटवीन द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया, ओके, दस इस्टेब्लिश लिंक। तो ये बुक जो एक लिंक क्रिएट कर देती है छोटी जाति के लोगों के बीच में जो इंडिया के थे एंड ब्लैक स्लेव इन अमेरिका, और अमेरिका के जो ब्लैक स्लेव थे उनके बीच में एक ये लिंक बना देती है इस बुक से। और ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे फूले ने बताया कि भाई यहाँ पर फूले के बाद फूले के टाइम में क्रिटिसिज्म कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में बड़े क्रिटिसिज्म होने लगे, आर्ग्यूमेंट होने लगे अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, की अनइक्वालिटी के ऊपर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होने लगे, बराबरी क्यों नहीं देते हैं, और इस चीज़ों पे बड़े लेवल पे काम होने लगा। यानी कि बराबरी दिलाने के लिए उन्होंने बड़े मेहनत आर्ग्यूमेंट करने शुरू किए। जो ज्योतिराव फूले जो थे वो इस बात से बड़े चिंतित थे अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन्स, कि अपर कास्ट की वुमेन्स के बारे में भी वो जो है लिख रहे थे, द मिजरीज ऑफ लेबरर, और जो अपर कास्ट वुमेन के अलावा जो लेबर यानी कि जो लोअर क्लास है उनके लिए भी वो उनके दुख और किस तरह से उनको ह्यूमिलेशन किया जाता है लोअर कास्ट को, वो भी वो अपनी बुक में लिख रहे थे। इस मोमेंट की वजह से कास्ट रिफॉर्म बड़े लेवल पे होता गया, कंटिन्यू रहा, और 12th सेंचुरी में तक आते आते दलित लीडर, 20th सेंचुरी तक आते आते दलित लीडर बी आर अम्बेडकर वेस्टर्न इंडिया में, ई वी रामास्वामी नायकर साउथ इंडिया में बड़े फेमस हुए। उन्होंने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मेहनत की। तो पार्ट नंबर थ्री में हम आज इतना ही करेंगे, और अगली बार हम अंबेडकर की टेंपल एंट्री मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 1927 से लेकर 1935 के बीच में रही। ये देखिए ये एक मंदिर यहाँ दिखाया गया जिसमें अगली बार हम डिस्कशन करेंगे टेंपल एंट्री मूवमेंट बाई बी आर अम्बेडकर। फोर्थ पार्ट में आसानी से पूरा हो जाएगा, ये थोड़े पार्ट बचा है, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली है और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आज के लिए थर्ड पार्ट में इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, आप याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।